तो दिन भर के कार्य समाप्त करने के बाद हम दोनों बहनें अपने वाहन लेके निकल पड़ते हैं चर्च की ओर। रास्ते में हमें सुंदर सुंदर साजे सज्जा भी देखने को मिलती है। पहुंचने के बाद हमारी बहन अपने डोरेमी गाने लग जाती है और मैं बैठे बैठे बोर होने लगता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर मैं अपनी कर्णश्राव यंत्र यानी कि ईयरफोन से गाने सुनने लग जाती हूँ और हमारी स्वीट डार्लिंग भी पढ़े में लगी हुई थी। कुछ पश्चात मधुर संगीत सुनने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ चर्च की लाइब्रेरी में बुक्स की खजाने की खोज में और मुझे ये तीन मैजिक बुकों ने अपने तरफ खींच लिया। डोरेमी समाप्त होने के पश्चात हम फिर से निकल पड़ते हैं गृह की ओर, लेकिन पेट की छू ने हमें इस चाट की दुकान पर रुकने पर मजबूर कर दिया। हमें तो ये चाट बहुत स्वादिष्ट लगा और हम मन तृप्त होने तक ठूसने लग गए। हमारे पेट में भी जो चूहे उत्पात मचा रहे थे वो अभी शांत हो चुके थे, लेकिन हमारी बहना को ये खास कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम घर की ओर निकल पड़े।